आइए बेटा चलते हैं इस टॉपिक, इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर क्या लगता है नाम सुन के, जब ये लीनियर आता है वर्ड क्या होगा? पावर वन, ये तो रट गया होगा है ना? बस वही यहाँ पर भी मीनिंग है। क्या मतलब? पहले मैं इसकी एक फॉर्म लिखवा रहा हूँ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म लिखो, आपकी फॉर्म होगी ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, या इस फॉर्म में भी हो सकता है और डी एक्स बाय डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू, कुछ भी हो सकता है ठीक है, कोई भी फॉर्म हो सकती है हमारी। अब आप बोलो कि पी वाई क्या है, पी एक्स क्या है, मैं तो यहाँ पे बेसिकली एक ऐसा वेरिएबल होगा जिसकी पावर वन होगी, पॉइंट क्लियर, और वो लीनियर होगा, मीन्स ना वो इस तरह होगा कि वो 3 की पावर y, यानी एक सिंपल वेरिएबल होगा वो। पहला पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, अब मैं पहले इसके स्टेप्स की बात करूँ, बाद में इसको लिखवा दूंगा, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि करना कैसे है। तो लीनियर में यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, p और q क्या होंगे खुद बताओ, p और q क्या होंगे? फंक्शंस वेयर p एंड q आर फंक्शन। ओके, अब इसके स्टेप्स क्या हैं, स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग। स्टेप नंबर वन है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर आपने स्कूल में पढ़ा हो तो आपने वर्ड सुना भी होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या होता है बता सकते हो? बोलो। हाँ हाँ शाबाश, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एक सेकंड एक सेकंड, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले मैं आपको दे दूँ, 1 मार्क का क्वेश्चन इसके ऊपर आता है। अब बोलिए बोलिए बेटा क्या होता है? e की पावर e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, क्लियर है? e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। स्टेप नंबर टू, अब आ गया आंसर, बोलो। y इंटू आई एफ, आई एफ यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू होल इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स, ये इसका है, किसका? डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू का। इसी तरह अगर मैं दूसरे का बनाऊं क्या बनेगा? अगर मान लो ये वाली फॉर्म हो डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शंस। हाँ जी, क्या बनेगा? स्टेप नंबर वन क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा इसका? ई रेस्ट पे पावर पी डी वाई। स्टेप टू क्या होगा? एक्स इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में क्यू डी वाई। रेडी? अभी कैसे करना है पहले इसको समझते हैं। इसके लिए मैं पिक करूंगा क्वेश्चन नंबर टू, आइए क्वेश्चन टू देखते हैं क्या है। डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 2x। अब सबसे पहले ना टास्क ये आता है कि सर ये है कौन सी वैरायटी, ये पहचानना बहुत जरूरी है भाई, लीनियर है, होमोजीनियस है या वेरिएबल सेपरेशन है। बच्चा कह रहा होमोजीनियस नहीं, क्योंकि वो तो पता लग गया जल्द से। होमोजीनियस की पहचान क्या थी? वाई बाय एक्स हर किसी की, या दूसरी पहचान क्या होती है? हर किसी की डिग्री सेम, यानी हर किसी की पावर सेम होगी। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, होमोजीनियस तो नहीं है, तो अब दो में से एक ही होगा। अब बता रहा हूँ ये वेरिएबल सेपरेट भी नहीं होंगे, ये लीनियर है। सर आपको लीनियर कैसे पता? क्योंकि यहाँ अगर आप नोटिस करें, ध्यान से देखना, यहाँ पे वाई की पावर वन है, सिर्फ अकेला वाई ऐसा जिसकी पावर वन है। एक और मैं आपको छोटा सा दिखाता हूँ जिस तरह इसके लिए, अगर मैं इसके लिए पिक करूँ, क्वेश्चन फाइव है, कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेन एक्स। अगर आप इसी में देखें, मैं यहीं से देख के बता सकता हूँ ये क्या है, ये क्या है,
लीनियर, कैसे बता? वाई की पावर वन, पकड़ लिया आपने, ठीक है। ये पहचान बच्चों को अक्सर नहीं आ पाती। ओके नाउ क्वेश्चन पे आते वापसी। तो आई होप आपने सारे स्टेप्स नोट कर लिए हो, क्या था दोबारा रिपीट कर रहे हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p dx y into if इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू, ये कौन सी वाली फॉर्म में फिट बैठा बेटा? dy वाई बाय डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो p क्या हुआ? 3। और q क्या हुआ? एक बार खुद अटेम्प्ट करोगे? मैंने स्टेप्स लिख के दिए, अटेम्प्ट करोगे एक बार? पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, देखते आप कर पाते हो, वरना मैं ही कराऊंगा फिलहाल। चलिए बेटा चेक करें। स्टेप वन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। क्या हो जाएगा? ई की पार इंटीग्रेशन ऑफ पी, पी क्या है? 3 dx, 3 का इंटीग्रेशन 3x, पहला तो हो गया क्लियर। अच्छा जी, स्टेप नंबर टू, वाई इंटू आई एफ, आई एफ क्या है? e की पार 3x इज इक्वल्स टू होल इंटीग्रेशन e की पार 3x, क्या था देख लो, आई एफ इंटू क्यू, यानी e की पार 3x इंटू क्यू। क्यू क्या है? y e की पार 3x इक्वल्स टू, e की पार कितना हो गई है x, क्योंकि 3x माइनस 2x पावर में क्या हो जाएगा? एड, क्या बना फाइनली? y e की पावर 3x इज इक्वल्स टू e की पावर x प्लस c। ये था क्वेश्चन, बोलो क्लियर है डाउट? एक क्वेश्चन है न्यू बुक्स में, को बताया कौन सा क्वेश्चन होगा, एग्जांपल 19 है हमारा। ये है, ये dy by dx न्यू बुक्स में कौन सा को जरा बताना। dy by dx minus y is equals to cos x, न्यू बुक्स है किसी पे? 14 है। ओके अटेम्प्ट करोगे? 2 मिनट्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक तो पहले इसका मैं जरा छोटा सा वो पॉइंट बता देता हूँ कि इसमें पीछे क्या कर सकते हैं। इसमें हम एक और पॉइंट कि y की वैल्यू, मैं बोलना भूल गया था कि हमको y में निकालना होता है, y में तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में भेज देंगे, राइट? यहाँ तक क्लियर? अब ये क्या बना, वाई इक्वल्स टू ई की पावर माइनस टू एक्स प्लस सी ई की पावर माइनस थ्री एक्स। ओके अब इसको कैसे करा आप लोगों ने? यहाँ पी क्या आपका? माइनस वन, पी क्या हो गया? माइनस वन। और क्यू क्या है? कॉस एक्स कर दो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, ई की पावर माइनस वन डी एक्स, क्या हो जाएगा सर? ई की पावर माइनस एक्स, क्लियर? ओके नाउ वाई इंटू आई एफ, आई एफ कितना है? e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आई एफ e की पावर माइनस एक्स इंटू में क्यू, क्यू क्या है? कॉस एक्स। अब दिक्कत आएगी यहां पर, इसका इंटीग्रेशन कैसे करें? यहां क्या लगेगा? आई लेड, फर्स्ट फंक्शन क्या, सेकंड क्या? फर्स्ट क्या? कॉस, राइट? और सेकंड या देन आई लेड इनवर्स लॉग एलजेब्रिक देन ट्रिगो। तो फर्स्ट हो गया ये, सेकंड हो गया ये, करो इसे सॉल्व। वाई इंटू ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, करो फर्स्ट का फर्स्ट एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ई की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन, बच्चा बोला फिर मैं भूल गया, क्या वही हो गया, यानी डायरेक्ट लिख दूं माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, बोले यहां तक क्लियर? माइनस होल का फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, मिस्टेक समझ आ गई? ओके ओके बाकी सब समझ गए ना? एक्चुअली इसलिए लिखा कि वरना कॉस एक्स इंटू में वो ई की पावर माइनस एक्स थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। ओके नाउ अब
होल का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स. एग्जैक्टली इस पे फिर से लगेगा बेटा y इंटू ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, कर दो माइनस माइनस माइनस. अब इसका क्या लग जाएगा बेटा, लगाओ इस पे, एक काम करो इस पाई वन ले लूं, इस पूरे का आई वन, इसको आई वन ले लेते हैं, काम करता हूं, इसको आई वन ले लेते हैं, इसको आई टू ले लेते हैं. हाँ प्लस नहीं, और माइनस माइनस दो थे ना, प्लस हो गया ना, और बाहर माइनस ऑलरेडी एक, क्लियर. ओके नाउ आई वन, तो आई टू की बात कर रहे हैं, फर्स्ट एज इट इज वही अगेन, ये फर्स्ट ये सेकंड लगाना क्या बनता है, फर्स्ट एज इट इज, तो e की पावर माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, राइट, फर्स्ट एज इट इज सेकंड माइनस फर्स्ट का क्या डेरिवेटिव साइन का कॉस इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस एक्स, माइनस है तो ये बाहर प्लस, अगर आप देखो क्या आ गया, ये पूरा क्या है आई वन ही तो है, यानी आई टू किसके इक्वल हुआ, माइनस ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स प्लस आई वन. यहाँ तक क्लियर, यस और नो, क्या हाँ इस पर दोबारा लगाया ले बोलो, यहाँ तक क्लियर. ओके चार्जर ऑफ प्लीज, थैंक यू चार्जर. अब कैसे यहाँ रख दो, पर कैसे आंसर आ रहा है मेरा, जरा चेक करना वैल्यू, एक मिनट, आई टू की कहाँ आएगी, यहाँ पर आएगी, पॉइंट क्लियर है, वाई इंटू ई की पावर माइनस एक्स प्लस टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, तो मैं इसका करूँगा फिर आई टू बन जाएगा, तो चलती रहेगी ऐसी सीरीज. और फिर क्या था मेरा, आई टू की वैल्यू क्या है, वैसे नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूँ, पहले तो पहले यहाँ तक नोट कर लो, कर लिया, नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है मेरे को लिख लेता हूँ, वाई ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स, ये था मेरा आई टू. अब ये रही आई टू की वैल्यू क्या है, माइनस ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स प्लस आई वन, अब ये वैल्यू मैं क्या करूंगा, यहां पुट कर दूंगा, वाई इंटू ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस, ब्रैकेट बनाओ, ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स प्लस आई वन, आई वन रह गया, आई वन क्या था मेरा, क्या हुआ, अच्छा यहाँ पे कह रहे हो, यस सुन, अब देखो इसे ओपन करा, वाई इंटू ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस आई वन, यही है ना, अब जरा ध्यान से देखते हैं, माइनस आई वन प्लस आई वन, ये चेक कर लेना बस,
साइन का ओके माइनस कॉस ओके, तो माइनस में डाला ठीक है माइनस आई वन, वापसी आते इस पे किसके इक्वल था देखो अगर आप नोटिस करो तो मेरा वाई इंटू ई की पाई माइनस एक्स किसके इक्वल था आई वन के, ऐसा नो बिकॉज वाई इंटू ई की पाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू आई वन राइट। तो यानी दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ इक्वेट, बात समझ आई, ई की पाई माइनस एक्स कॉस एक्स ई की पाई माइनस एक्स साइन एक्स माइनस आई वन इज इक्वल्स टू आई वन, किधर भेज दिया कुछ कंफ्यूजन है क्या कहाँ पे माइनस ई एक्स ओके माइनस का साइन रह गया ना, वो तो मैं वैसे कह रहा हूँ कुछ कंफ्यूजन है साइन एक्स ये क्या हो जाएगा मेरा टू आई वन, बोले यहाँ तक क्लियर, तो आई वन की वैल्यू क्या आ गई फाइनली आई वन क्या आ गया डिवाइड बाय टू ई की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लो ये आपका आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में, बोले यहां तक क्लियर होगी बात, अच्छा जी अब ये फाइनली किसके इक्वल था सारा दोबारा समझ लो, ये पॉइंट क्रूशियल है, ये मैंने आई वन नाम दे दिया था ना इसका, यानी अगर मैं देखूं ये इस फॉर्म में बन गया y इंटू ई की पावर माइनस एक्स आई वन के इक्वल राइट, और ये सारा सॉल्व करते करते इसके इक्वल y के इक्वल यानी आई वन इक्वल चल रहे हैं, फाइनली वापसी आते हैं इस पे। इसका वैसे पता बेस्ट तरीका क्या था कि मैं इसको पहले अलग ही कर लेता इंटीग्रेट, यहाँ पे ना करके ना अलग से कर लेता, अपने आप मेरा कट के आंसर आ जाता। एनीवेज ये आंसर आ गया, अब ये किसके इक्वल हो जाएगा वाई इंटू ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में टू लास्ट में प्लस सी, डिवाइड में भेज दो ई की पावर माइनस एक्स को क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय टू प्लस सी ई की पावर माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में तो ऊपर आ जाएगा, क्लियर नोट डाउन। क्वेश्चन 12 कैसे होगा, ये लीनियर है या नहीं है सवाल है, सबसे पहला तो ये होमोजीनियस नहीं है कंफर्म है, कैसे पता सर आपको यहाँ पे डिग्री वन यहाँ पे वन और यहाँ पे टू तो होमोजीनियस तो नहीं हुआ, वेरिएबल सेपरेशन क्या अलग अलग हो सकते हैं वाई और ये एक्स नहीं हो सकते, तो क्या होता है ये लीनियर, अब सवाल है लीनियर कौन सा सवाल है डी एक्स बाई डी वाई डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स नाइस सबका आंसर गलत है डी एक्स बाई डी वाई, सर आपने कैसे पता लगाया मैं को बताता हूँ, पहले जरा बस की फॉर्म देखो डी एक्स बाई डी वाई में क्या है पावर वन किसकी होती है x की, आइए जरा यहाँ देखते हैं यहाँ पे पावर वन किसकी है x की, क्या x की एक ऐसा वेरिएबल जिसकी पावर सिर्फ वन है कुछ नहीं होगी अलग, बच्चा कहता है बेटा वाई की स्क्वायर भी तो है, पॉइंट क्लियर हुआ, यानी कि ऐसा वेरिएबल जिसकी डिग्री डिग्री क्या होता है हाईएस्ट पावर वेरिएबल की सबसे बड़ी वाली पावर एक्स में कौन सी है वन, तो इसे इधर भेजो पहले डी वाई डी एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस थ्री वाई स्क्वायर क्या कर दूंगा रेसिप्रोकल यानी डी एक्स बाय डी वाई एक्स प्लस थ्री वाई स्क्वायर अपॉन में वाई, बोले यहां तक क्लियर, अब सेपरेट बोले यहां तक क्लियर होगी बात यस और नो, आप क्या करेंगे सर अब तो आ गया कौन सी फॉर्म पहले से इधर शिफ्ट कर दो माइनस एक्स बाय वाई इक्वल्स टू थ्री वाई, कौन सी फॉर्म में है बेटा ये वो तुम्हें को भी पता है कौन सी फॉर्म डी एक्स बाय डी वाई प्लस पी वाई ठीक है सॉरी आदत पड़ी है ना वो हमारे को भी पी एक्स इक्वल्स टू क्यू क्लियर पी अभी बताएंगे पी क्या बेटा माइनस वन बाय वाई
पॉइंट क्लियर। और क्यू क्या होगा, 3y, मैंने इसलिए लिख के दिया। आई एफ क्या हो जाएगा इसका, इंटीग्रेशन e की पावर माइनस वन बाई वाई डी वाई, इसका क्या होता है, माइनस लॉग मॉड y, पॉइंट क्लियर। और e की पावर सबसे पहले माइनस है, माइनस कहाँ चला जाएगा, पावर में, लॉग y की पावर माइनस वन। और आपको पता है e की पावर लॉग कुछ भी हो, याद है बहुत, e की पावर लॉग m क्या हो जाता है, सीधा m, विदाउट एनी इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन, पॉइंट क्लियर। चलो मैं लिखने लगा था y की पावर माइनस वन, ये हो गया माइनस वन बाय वाई, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये स्टेप वन क्लियर है, स्टेप टू क्या होता है मेरा, x इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू होल इंटीग्रेशन e की पावर या आई एफ इंटू में q डी वाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर समझ आ गया, सबसे मेजर चीज है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो सारे क्वेश्चन आसान, x इंटू वन बाय वाई, आई एफ क्या है वन बाय वाई, क्यू क्या है थ्री वाई, अब तो इजी हो गया डी वाई, क्योंकि एक्स बाय वाई इज इक्वल्स टू थ्री का इंटीग्रेशन थ्री वाई प्लस सी वाई, इधर भेज दो, एक्स क्या हो जाएगा थ्री वाई स्क्वायर प्लस सी वाई। बोले यहाँ तक क्लियर होगी बात, यस और नो, आंसर। एक क्वेश्चन और देते हैं छोटा सा, देखते हैं आपको थोड़ा सा आया, अब देते हैं आपको पर्टिकुलर का, पर्टिकुलर के लिए आप करोगे एग्जाम्पल 22। मेरे को ये बता दें न्यू बुक्स में कौन सा है क्वेश्चन, एग्जाम्पल 22 ये है हमारा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर, क्या गिवन है y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू पाई बाई 2। हाँ जी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए राइट नाउ। हाँ जी बेटा, एक क्वेश्चन हुआ आपसे, नहीं हुआ होगा मोस्ट ऑफली, है ना, आई मेरे को जिस जिस चीज की उम्मीद थी वही चीज का वेट कर रहा, नहीं हुआ। सबसे पहले इतना तो पहचान हो चुकी कि कौन सी फॉर्म में है, कौन सी वाली, डी वाई बाई डी एक्स या डी एक्स बाई डी वाई, डी वाई बाई डी एक्स क्या होती है, एक बार फॉर्म बताओ बेटा, डी वाई बाई डी एक्स जल्दी बोलो प्लस पी वाई इज़ इक्वल टू क्यू। सबसे पहले एक मिनट, एक जो मैंने सर कॉमन एरर देखा है जो बच्चों का होता है, कॉमन एरर क्या है, कई बार बच्चे ना इस चीज में बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पी एक्स होना चाहिए था, पी वाई होना चाहिए था, कोई है जो सर कंफ्यूज हो रहा है, आई विश कि ना ही हो, मैंने बहुत एरर देखे चेक करते हुए, फिर भी एक बात बता रहा हूँ, जो यहाँ का वेरिएबल है वही होना चाहिए, पॉइंट क्लियर। आइए तो आपको इतना पता लग गया होगा कि आपका पी क्या है, कॉट एक्स, और क्यू क्या है ये पूरा, राइट right? तो सबसे पहला आई एफ ई इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग, सॉरी एक मिनट, यू मीन मैंने क्वेश्चन इनकम्प्लीट लिखा है क्या, ओके एक्स का क्या क्या कॉट एक्स भी है, थैंक यू फॉर दिस, अच्छा लॉग मॉड साइन एक्स, यहां तक क्लियर। अब आपको पता है कि क्या आ जाएगा इसका सीधा, साइन एक्स, राइट, पहला तो पॉइंट क्लियर हो गया आई एफ। अच्छा स्टेप नंबर टू क्या होता है, वाई इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ इंटू क्यू डी एक्स, क्लियर, वाई, वाई क्या है, वाई आई एफ क्या है, साइन एक्स। बेटा वन मार्क का क्वेश्चन आता है, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आई एफ, आई एफ क्या है साइन एक्स इंटू क्यू, क्यू क्या है, ये पूरा क्यू है, ये पूरा टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स डी एक्स। अब सॉल्व कैसे होगा, ये खेल है यहां पर असली, बट ऐसे जरा मल्टीप्लाई कर दो, और आगे से हम क्या करेंगे, जहाँ आई लेट या कुछ भी लगाना होगा ना उसको पहले अलग से आई वन लेट कर लेंगे, उससे थोड़ा ना इजी हो जाएगा, मान लिए करो जरा मल्टीप्लाई, क्या हुआ 2x साइन x प्लस
अलग ही कर रहा हूँ इसका, टी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट को क्या लिखूंगा, कॉस बाय साइन, देखो ना मैं कॉट को लिख सकता हूँ कॉस एक्स बाय साइन एक्स इंटू साइन एक्स जी एक्स, बोलो यस ऑर नो, कट गया, टू एक्स साइन एक्स जी एक्स एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। बच्चा बोला दोबारा लेट, मैंने कहा एक बात सुन लो ध्यान से सुनना, अगर आप नोटिस करो कोई किसी का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव भी हो सकता है, ठीक है, ये इसका ये इसका, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों को सेपरेट सॉल्व करना। कैसे मैंने वैसे पता लगा इसकी छोटी सी ट्रिक क्या है, अगर आप नोटिस करो इसका डेरिवेटिव है यहाँ पर हर चीज़ का, तो कहीं ना कहीं आइलेट लग रहा है, इसकी एक पहचान होती है, ठीक है। आपको याद हो कि हमने मिसलेनियस का एक एग्जांपल करा था, वो लॉग वाला था, लॉग ब्रैकेट लॉग एक्स प्लस वन बाय लॉग एक्स करके एक एग्जाम्पल था मिसलेनियस के अंदर, वन टू थ्री थर्ड एग्जाम्पल था, ठीक है। ओके तो प्रोसीड करें, तो जिस समय इसको सॉल्व कर रहा हूँ, पहले इसको मैंने नाम दे दिया आई वन, इसको दे दिया आई टू, राइट, और आई वन आई वन प्लस आई टू, यानी वाई में कोई करना है आई वन प्लस आई टू के इक्वल। तो ज़रा पहले आई वन की बात कर लेते हैं, टू एक्स साइन एक्स क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट ये सेकेंड, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, साइन का माइनस कॉस, राइट, ये आई वन चल रहा है, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, और क्या, फर्स्ट का डेरिवेटिव टू और साइन तो प्लस कॉस, यहाँ तक क्लियर। अच्छा जी, माइनस टू एक्स कॉस एक्स, टू कॉस एक्स का साइन एक्स, ना 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 ये माना चाहिए था, कुछ गड़बड़ी हो रही है। अगर इसको करूँ मैं, दोबारा करते हैं, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव टू एक्स का टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, क्या साइन का माइनस कॉस, तो वो यही तो करा है, प्लस हो जाएगा ना, अब टू का कॉस का हो जाएगा टू साइन एक्स, ये कैसे सॉल्व कैसे हो सकता है, होना नहीं चाहिए था किसी भी हाल में, ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं क्या हो रहा है। आई टू को लेते एक बार, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, कॉस का माइनस साइन, एक मिनट, कॉस का पॉजिटिव साइन, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव आ गया, ओके टू एक्स साइन एक्स, ये रहा बेटा। देखो जैसा कि मैं कह रहा था कि कोई ना कोई एक दूसरे का वो बनता ही बनता है उसमें, राइट, तो इस बार क्या किसका बन रहा था, आई टू, आई टू में आ रहा है आई वन, पॉइंट क्लियर। I2 कैसे हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, I2 टू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस साइन एक्स माइनस आई वन, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब क्या करूँगा, सारी वैल्यूज यहाँ पे डाल देंगे, I1 की क्या आई, माइनस टू एक्स कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स, y sin x क्या हो जाएगा, i1 की वैल्यू मेरी माइनस टू एक्स कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स, फिर x स्क्वायर प्लस i2, i2 क्या है पूरा x स्क्वायर sin x माइनस i1, राइट, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर साइन एक्स आ जाएगा ना सीधा सीधा मेरा, क्योंकि आई वन की फिर ये वैल्यू पुट करूंगा
तो टाइम कंज्यूमिंग पूरा प्रोसेस हो जाएगा आई टू सीधा, या तो ऐसे रख दो एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस टू एक्स कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स, आप ऐसे भी रख सकते हो या उसको आई वन रहने दो जो आपको कंफर्टेबल हो। बोलो क्या करना है, ऐसे ही। वैसे तो अगर आप देखो आप इसको ना सॉल्व करते फिर बाद में कैंसिल भी करते तो कोई इशू नहीं था। 2x, 2 sin x, फिर x square sin x, कहाँ पे, यहाँ पे चलो फिर पूरा चेंज ही कर देते हैं अब, ठीक है। प्लस टू एक्स कॉस एक्स माइनस टू साइन एक्स, ये कट गया इससे, तो वाई साइन एक्स किसके इक्वल बैठा है। और लास्ट में एक चीज इंपॉर्टेंट रह गई, प्लस सी एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी, यहां तक क्लियर। अभी आंसर नहीं आया, क्वेश्चन ने क्या बोला है साथ में, y 0 x pi by 2। अच्छा एक बात नोटिस करो, मैंने i1 भी सॉल्व करा i2 भी करा, बीइंग अ टीचर हमको एक आइडिया होता है कि किसको सॉल्व करना चाहिए। अब लेट सपोज एक स्टूडेंट है उसको सॉल्व कर रहा है, कैसे करेगा अपने आपको करेक्ट इसी वे में, एक की वैल्यू आगे दूसरे में डाल दो, अल्टीमेट आंसर आएगा ही आएगा y 0 x pi by 2। नाउ y 0 x pi by 2 क्या हो जाएगा, जीरो डायरेक्ट लिख दो जीरो, क्योंकि वाई इंटू जीरो एक्स स्क्वायर यानी पाई बाय टू का होल स्क्वायर साइन पाई बाय टू प्लस सी पाई बाय टू का होल स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय फोर साइन पाई बाय टू वन प्लस सी, सी की वैल्यू क्या आ गई माइनस पाई स्क्वायर बाय फोर, डाल दो वैल्यू, फाइनली आंसर क्या हुआ वाई साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस पाई स्क्वायर बाय फोर, ठीक है। फाइनली आंसर क्या हो जाएगा मेरा, अब साइन एक्स को डिवाइड में भेज दो एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन एक्स डिवाइड में आएगा माइनस पाई स्क्वायर बाय फोर साइन एक्स। बोलो बेटा पॉइंट क्लियर या कंफ्यूजन, क्या चीज माइनस कैसे आया, अच्छा यहाँ पर क्या था बेटा जीरो इधर आके